हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आप सबको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप सबको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है। ये एक नवरत्ना कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा एरियाज में, इंटरेस्टिंग एरियाज में प्रोडक्ट पे वर्क करती है, जैसे कि मिलिट्री रडार्स, नेवल सिस्टम, ठीक है, वेपन एंड फायर कंट्रोल, कम्युनिकेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस और बहुत सारे अदर एरिया भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी निकली है वो है ट्रेनिंग इंजीनियर की। इसमें 20 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 वैकेंसीज है। इसमें इन्होंने मांगा है बीई बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो रिलीवेंट ब्रांचेज है उनसे भी आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसीज है, और अगर आपने सी प्लस प्लस, जावा, एल्गोरिथम, इन सब में थोड़ा बहुत आपने अगर नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए पास ऑलरेडी होती है। यहाँ पर मैक्सिमम एज इन्होंने 28 ईयर रखी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकेंड, अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इसमें 30 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 14, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज है। इसमें बी बी टेक आपका 4 ईयर कोर्स मांगा है। अगर आपने बी बी टेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मिनिमम जो आपके मार्क्स रखे हैं वो 55% रखे हैं अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी के इसमें आपको केवल पास क्लास होना चाहिए। इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आपने किसी, मान लीजिए कहीं पे भी वर्क कर रखा है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सबसे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। 32 ईयर इन्होंने मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर देखें तो इसमें 1 वैकेंसीज है, और इसमें बी बी टेक आपका मैकेनिकल 4 ईयर कोर्स मांगा है, और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो आगे अगर हम बढ़ेगा इस, तो यहाँ पर अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर्स का जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनिशियली आपको 2 ईयर का यहाँ पर ये 2 ईयर के लिए साइन करेंगे, और अगर इनको नीड होती है तो 1 साल का आपका एक्सटेंशन भी हो सकता है, यानी 3 ईयर का आपका ये जॉब रहेगा। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 30,000, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में 40,000 के समथिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एरिया अलाउंसेस 10% अगर आपको, और अदर बेनिफिट, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम सेकेंड वैकेंसीज के बारे में बात करें, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर फर्स्ट, तो यहां पर इनिशियली ये 3 ईयर का रहेगा, और अगर नीड होती है तो इसको 1 साल और एक्सटेंशन करके 4 ईयर के लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, सेकंड ईयर के लिए 45,000, थर्ड ईयर के लिए 50,000, फोर्थ ईयर के लिए 55,000 आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर अपर एज लिमिट अगर हम देखें गाइस तो 1/6/2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, जिसमें 28 ईयर ट्रेनिंग इंजीनियर्स की, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 32, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको यहां पर एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं गाइज, ये वैकेंसीज उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनको फाइनेंशियल इशू है, जो 1-2 साल गेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है और फाइनेंशियली बर्डन में है। तो गाइज, आप लोग इस वैकेंसीज में जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 30,000-35,000-40,000 के आसपास सैलरी भी मिल रहा होगा, और साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, गेट और फर्दर प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो गाइज, ये आपके पास एक अच्छा चांसेस बन सकता है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और मेरे हिसाब से गाइज यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाएगा कि आप पैरेलली अपनी प्रिपरेशन भी कर लो। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है लेकिन उनको कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो आईआईटी में जाके मास्टर्स करते हैं, 12,400 का स्टाइपेंड लेते हैं, तो उससे बेटर है कि यहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का आपका रहेगा, और इसमें भी आपको एक रेस्पेक्टिवली सैलरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, तो इन्होंने और भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज होती है अगर आप उनसे कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। और भी यहाँ पर अगर हम देखें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, जैसे अगर ट्रेनिंग इंजीनियर में फ्रेशर भी फिल कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में इनका एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसका 85% वेटेज रहेगा फाइनल सिलेक्शन में, और इंटरव्यू होगा जिसका 15% रहेगा आपका फाइनल सिलेक्शन में वेटेज। और अगर हम देखें जो रिटर्न टेस्ट बच्चे फाइट करेंगे उसमें से 1/5 के रेशियो में वो लोग आपको इंटरव्यू को बुलाने वाले हैं, यानी कि 1 वैकेंसी रहेगी तो 5 बच्चों को वो रिटर्न टेस्ट से शॉर्टलिस्टेड करके वहाँ पर बुलाएंगे। अप्लाई करने के लिए गाइज आपको जो लास्ट डेट रखी है वो 15 दिसंबर 2023 है, उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट के लिए देखोगे तो 177 आपकी एप्लीकेशन फीस है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 472 और प्रोजेक्ट इंजीनियर एमएम की अगर आप देखोगे तो इसकी भी 472 आपकी फीस लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं लगेगी। इसके अलावा यहां पर आगे भी इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीजें यहां पर मेंशन कर रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है।
इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी ऑफिशियल मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की जो PDF है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आगे भी कोई भी आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी तो वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो गाइज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।